दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं सती ट्रेवल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण जगह जिसका नाम है काकड़ी घाट। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और यहां कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली आज भी देखने को मिलती है। एक ऐसे ही विख्यात व्यक्ति और युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद, जिन्हें अल्मोड़ा से बेहद लगाव था। स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में 3 बार आए थे, 1890 में, 1897 और 1898 में। 1890 में जब वो अपने गुरु भाई अखंडानंद महाराज के साथ आए थे तो उन्हें काकड़ी घाट स्थित पीपल के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और आज इस स्थल पर काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का उत्तराखंड के अल्मोड़ा से गहरा लगाव था। तो दोस्तों उन्होंने कहा था, अल्मोड़ा बेहद खूबसूरत और शांत जगह है, और स्वामी जी जब पहली बार 29 अगस्त 1890 को काठगोदाम से अल्मोड़ा की तरफ जा रहे थे तो अपने गुरु भाई के साथ काकड़ी घाट गांव में एक रात के लिए रुके थे, जो नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच में बसा हुआ है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं, और हो सके तो इस जगह पर आएँ और विजिट करें सती ट्रेवल्स के लिए। बाय, टाटा।